आज हम सीखेंगे डायग्राम के जरिए से रनिंग, कॉमन और स्टार्टिंग को फाइंड करना। मतलब जैसे यहाँ पे तार निकले हैं मोटर के अंदर से, और इसमें एक रनिंग है, एक कॉमन है और एक स्टार्टिंग है। एक तो तरीका ये होता है कि आप मीटर से चेक कर लीजिए कंटिन्यूटी पे कर करके यहाँ पे, कि इसमें कम ज़्यादा मान बताएगा, उसके हिसाब से पता कर लेंगे कि इसमें कॉमन कौन है, रनिंग कौन है, स्टार्टिंग कौन है। और दूसरा तरीका ये है, अगर आपके पास मीटर नहीं है लेकिन मोटर है और उस पर स्टिकर लगा हुआ है, तो उससे भी जान सकते हैं कि इसमें रनिंग कौन है और कॉमन कौन है और कौन स्टार्टिंग है। तो ये पहचान कैसे होगी, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर देखिए एक डायग्राम बना हुआ है, और ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर ध्यान से आपको क्लियरली समझना चाहिए। यहाँ पर समझिए ध्यान से, ये हमारे पास एक तार इसमें वाइट कलर का है और एक ब्लैक कलर का है और एक ग्रे कलर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोटर से जो तार निकले हुए हैं ये वही है, एक ग्रे है, एक वाइट है और एक ब्लैक है। और यहाँ भी ये बताया हुआ है और यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा भी है एम, एम मतलब मोटर। अब यहाँ पर क्या पॉइंट, यहाँ पर समझिए, ये एक निशान आप देख पा रहे होंगे, देखिए यहाँ पर एक ये निशान है, ये जो इस ऐसा निशान है ना, ये दो दो लाइन जो खींचा गया इस तरीके से, ये जो निशान है ये है कैपेसिटर का निशान। आप जब फिजिक्स में पढ़े होंगे कि कैपेसिटर जहाँ पे भी होता था वहाँ पे ये निशान लगा रहता था, तो यही निशान जो अपना है ये कैपेसिटर का निशान है। मतलब कि ये कैपेसिटर इन दो तारों पे लगाया गया है। अब एक तार इसमें ब्लैक है और एक तार है ग्रे, तो कैपेसिटर ग्रे और ब्लैक वाले तार पर लगाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा कैपेसिटर होता है ये रनिंग और स्टार्टिंग पे ही लगाया जाता है। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर ग्रे और ब्लैक पे लगा है, इसका मतलब ये ग्रे और ब्लैक दोनों पॉइंट क्या है, रनिंग और स्टार्टिंग है। लेकिन ये नहीं पता है कौन सा इसमें रनिंग है कौन सा स्टार्टिंग है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी सप्लाई आती है फेज की वो हमेशा मोटर के रनिंग वाले तार पर आती है। तो यहाँ पर जो ये गोल वाला पॉइंट देख रहे हैं ना, ये जो दायरा देख रहे हैं आप गोल, ये जो राउंड देख रहे हैं ये बनाया सप्लाई का राउंड। मतलब कि यहाँ पे एक ये सप्लाई दे दी गई है न्यूट्रल की और यहाँ पे दे दी गई फेस की। तो इस वाले तार पे कौन सी सप्लाई गई है आप समझ सकते हैं, किस वाले तार पे गई है, तो ब्लैक वाले पे तो कोई सप्लाई नहीं गई है लेकिन ग्रे वाले तार पे सप्लाई दी गई है। मतलब कि सप्लाई उसी तार पे दी जाती है जो रनिंग का होता है। तो ये वाला पॉइंट जो अपना है ये रनिंग का हो जाएगा, और ये वाला पॉइंट इसमें सप्लाई नहीं दिया गया है ये स्टार्टिंग का होगा। और एक अलग पॉइंट है जहाँ पर कैपेसिटर जुड़ा ही नहीं है, तो कॉमन वाला जो पॉइंट होता है कॉमन का, उस पर कैपेसिटर कभी नहीं जोड़ते हैं। तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा कॉमन का हो जाएगा, जहाँ पे सप्लाई दी गई है तो ये कॉमन का हो जाएगा, बाकी यहाँ पे कैपेसिटर नहीं जुड़ता है तो ये अलग है एकदम, तो ये इसका है कॉमन का हो जाएगा। बाकी ये जिस पे कैपेसिटर लगा है और यहाँ पे सप्लाई नहीं दी गई है, जैसे कि ब्लैक वाला वायर, ये अपना स्टार्टिंग हो जाएगा, और एक ये जिस पे कैपेसिटर लगाया गया है और यहाँ पे सप्लाई दी गई है तो ये रनिंग वाला हो जाएगा, जैसे कि ग्रे वाला वायर। तो यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया क्लियरली, ये हमारा जो वाइट वाला तार है ये मोटर का कॉमन है, और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये है इसका स्टार्टिंग, और ये जो हमारा ग्रे वायर है ये इसका रनिंग वाला तार है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे जो मीटर के साथ चेक करते हैं ये कैसे चेक करते हैं, और अगर हम चेक करके दिखा देते हैं कि देखिए यही वाला जो मीटर बताएगा, जो ये डायग्राम बता रहा है वही चीज़ मीटर भी बताएगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं, इसको रख दीजिए मोटर को, पकड़िए इसको। तो अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इस मीटर से कि इसमें से कौन रनिंग है, कौन कॉमन और कौन स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले कॉमन की पहचान करनी है, और कॉमन की पहचान करने का तरीका ये है कि जिन दो तारों पर मान सबसे ज़्यादा बताएगा मीटर का, उन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का होगा। तो हम किसी एक पर रख लेते हैं और बारी बारी चेक करते हैं, इस पर रख लिए हम, यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है 108, ये 108 रेजिस्टेंस बता रहा है। दूसरे पर चेक करते हैं तो ये बता रहा है 68 रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम क्या किए, इस पे रख करके इन दोनों को तो चेक कर लिए, अब एक बार इसको हटा के इन दोनों को भी चेक कर लेते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखते हैं कितना बताता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 176 बता रहा है, मतलब इन्हीं दोनों तारों पर ग्रे और ब्लैक पे ही सबसे ज़्यादा बता रहा है। तो इन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार कॉमन का हो जाएगा। तो कॉमन 100% मिल चुका है कि कॉमन का तार ये वाइट है, जो कि डायग्राम भी यही बताया जा रहा है, ये डायग्राम में भी वही बताया जा रहा है कि ये वाइट वाला कलर का वायर ही कॉमन का है। तो कॉमन मिल गया क्लियर। अब कॉमन पे रख करके हम इन दोनों को चेक करेंगे। अब इसमें से हमें क्लियर तो ये है कि ये रनिंग स्टार्टिंग है, लेकिन ये एकदम क्लियर नहीं है कि कौन सा रनिंग है और कौन सा स्टार्टिंग है। तो हम क्या करेंगे, एक तार कॉमन पे फिक्स कर देंगे मीटर का, और दूसरे प्रोब से मतलब दूसरे तार से हम चेक करेंगे इन दोनों तारों को। जिस पे मान ज़्यादा बता देगा वो स्टार्टिंग का हो जाएगा, और जिस पे मान कम बता देगा वो रनिंग का हो जाएगा। तो हम यहाँ नाप लेते हैं, देखिए यहाँ पर ये बता रहा है 108, ठीक है। अब इस पर चेक कर लेते हैं इस पर कितना बता रहा है, देखते हैं
ये बता रहा है 68, तो इस पर कम बता रहा है और इस पर ज़्यादा बता रहा है, इसका मतलब कि कम वाला रनिंग का हो जाएगा और ज़्यादा वाला स्टार्टिंग का होगा। आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ब्लैक वाला है यही स्टार्टिंग का, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये ब्लैक वाला ही स्टार्टिंग है और जो ग्रे वाला है ये ग्रे वाला हमारा रनिंग का है। तो डायग्राम के जरिए से भी आप पहचान सकते हैं और मीटर के जरिए से भी पहचान सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास एक मोटर है जो कि LG कंपनी का ही है और ये वास मोटर है, और वास मोटर में क्या है ना कि रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे सेम मान बताता है। वो इसलिए बताता है क्योंकि इन दोनों की बाइंडिंग जो की जाती है रनिंग स्टार्टिंग दोनों एकदम सेम वायर से करते हैं, मतलब जो अंदर की बाइंडिंग की जाती है इनसे गेज भी सेम होता है और इसका टर्न भी सेम होता है, जिसकी वजह से ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों पे सेम बताता है। इसलिए इसको किया जाता है क्योंकि इसको दोनों तरफ घूमना होता है, रनिंग पे भी चलना होता है, मतलब एक बार लेफ्ट घूमना होता है, एक बार राइट घूमना होता है, सीधा उल्टा दोनों तरफ घूमना होता है। इसलिए दोनों की बाइंडिंग की जो पावर होती है ना सेम कर दी जाती है, रनिंग की भी सेम कर दी जाती है और स्टार्टिंग की भी सेम कर दी जाती है। इसलिए इस पर कम ज़्यादा नहीं बताता, हम सेम बताता है। दिखा देते हैं आपको, देखिए ये इसका कामन है, फिलहाल हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं इसका भी। तो इस मोटर का देखिए ये कि यहाँ पे रखते हैं और बारी बारी चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये इस पर बता रहा है 48, इस पर चेक करते हैं तो इस पर बता रहा है 49, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस पर रखते हैं, देखते हैं इस पर कितना बता रहा है, तो सबसे ज़्यादा इस पर 97, तो 97 सबसे ज़्यादा, तो इन दोनों को छोड़कर बचा हुआ तीसरा तार हमारा ये वाला कामन का हो गया, जो तो कामन मिल गया। अब ये रनिंग स्टार्टिंग को पता करना, तो एक यहाँ पर रख देना है और एक प्रोब से इन दोनों को बारी बारी चेक करना है। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं, देखिए इस पर चेक करते हैं तो यहाँ पर बता रहे हैं 49, और इस पर चेक करते हैं तो इस पर बता रहे हैं 48, मतलब लगभग एकदम सेम है, 49 और 48 एक ही का डिफरेंट है, वो कार्बन वगैरह की वजह से ये डिफरेंट आ रहा है, वरना फिर एकदम सेम रहता है। अगर इस पर 48 बता रहा है तो इस पर उस पर भी 48 ही बताता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा एक पॉइंट ज़्यादा है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं माना जाएगा, मतलब कि कहने का ये कार्बन वगैरह की वजह से ये थोड़ा कम ज़्यादा आ रहा है, लेकिन दोनों जो तार है ना एकदम सेम तार से बाइंडिंग की गई है, दोनों बाइंडिंग रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल दोनों को सेम गेज और सेम टर्न के वायर से इसको बाइंडिंग की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे दोनों पे सेम मान बताता है। तो यहाँ पे रनिंग स्टार्टिंग ढूंढने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक बार इसको रनिंग भी उल्टा भी चलाना है, एक बार सीधा भी चलाना है। जब टाइमर रनिंग पे सप्लाई देगा एक तो ये सीधा चलेगा, और जब स्टार्टिंग पे देगा तो उल्टा चलेगा, तो मतलब ये दोनों रनिंग ही कह सकते हैं, दोनों रनिंग ही है, और इसमें हमें सिर्फ कामन का ही पहचान करना होता है वास मोटर में, बाकी रनिंग स्टार्टिंग पे दोनों पे ला करके टाइमर का तार जोड़ देते हैं और ये फिर दाएं बाएं हमारा ये मोटर उल्टा सीधा घूमता रहता है। तो ये है, इस तरीके से हम लोग डायग्राम के जरिए से पहचानते हैं कि इसमें रनिंग कौन है, कॉमन कौन है और कौन स्टार्टिंग है, और ये मीटर के जरिए से भी इसी तरीके से हम लोग पहचानते हैं कि रनिंग कॉमन और स्टार्टिंग कौन। बस बंद कर।